हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. इन दिस लेक्चर एज यू सी दैट द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड जनरली दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. मैथमेटिकल ऑपरेशंस में होता क्या है, पहले सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इन दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, जैसे कि आपके फोर फंडामेंटल ऑपरेशन से आपको नाम पता है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और साथ के साथ डिवीजन, है ना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना. इनके साथ साथ कुछ स्टेटमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू, एक्सेट्रा. दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई द सिम्बल्स इन प्लेस ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग. मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर, मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर, इसमें आपके प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो सिंबल्स होते हैं इनका जो एक्चुअल इनका जो मतलब होता है या इनकी जो वैल्यू होती है, इनको हम दूसरे वी रिप्रेजेंट बाय सम अदर सिंबल्स. ठीक है, जैसे बोल दिया कि अगर डॉलर रिप्रेजेंट्स प्लस और स्टार रिप्रेजेंट्स डिवाइड, ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो इसके बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो एग्जैक्ट आपके ऑपरेशंस होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस, उनको हम किसी सिंबल के थ्रू या उनको किसी एक अलग बोल सकते हो दूसरे सिंबल के थ्रू या दूसरे अलग करेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. फिर जो प्रॉब्लम होगी हमें उसके बाद उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज में पुट करनी पड़ेगी. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू पुट करने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्व के बाद आपका आंसर आ जाएगा. समझ में आया नहीं, क्या करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, वो सारे के सारे ऑपरेशंस दूसरे सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं. जैसे मैंने आपको बताया डॉलर को रिप्रेजेंट कर दिया कि डॉलर जो आपका है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है, स्टार आपका डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको फिर एक इक्वेशन दे दी जाएगी, उस इक्वेशन का आपको आंसर दिखाना है. ठीक है, इसके बाद और देखते हैं इसमें, दिस क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग दीज ऑपरेशंस. इन क्वेश्चंस में ये सारे ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारे ऑपरेशंस इसके अंदर होते हैं, आर सेट यूजिंग आर्टिफिशियल सिंबल. ये आर्टिफिशियल सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, कई लोग आपको एट द रेट दे देंगे, कई एट द रेट माइनस दे देंगे, इस तरीके से बना देंगे आपको सिंबल. द कैंडिडेट हैज टू पुट द रियल साइन. अब कैंडिडेट को क्या करना होता है कि जो भी आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी होगी, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उस सिंबल का एग्जैक्ट मतलब क्या है, एग्जैक्ट वो किस करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जैक्ट किस मैथमेटिकल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को शो कर रहा है, उसको रखना है. जैसे मैंने बोल दिया कि डॉलर रिप्रेजेंट प्लस, तो आपको डॉलर की जगह पर प्लस रख देना है. स्टार रिप्रेजेंट्स डिवाइड, तो स्टार की जगह पर आपको डिवाइड रख देना है. ये सारे इनकी जो एक्चुअल मीनिंग है, इज यूजुअल मीनिंग है, वो वैल्यू पुट करनी है उस इक्वेशन में और उसको सॉल्व करके आपको आंसर निकाल देना है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लास्ट वाला लिखा है, ये वाला, यू हैव टू यूज वी बोडमास रूल टू सॉल्व द इक्वेशन. आपको पता है कि ये जो रूल होता है, आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसमें ये वाला रूल फॉलो करना है सॉल्व करने के लिए. वी बोडमास एक वेनकुलम बार होती है, जैसे 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, 3.14 इस तरीके से बार लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है, 3.14444 अगर ऐसा कहीं है तो इसको सॉल्व करना है आपको. ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, जनरली ये वाले तो नहीं आते हैं, वेनकुलम बार नहीं आती है, बाकी ये जो बोडमास है उसको फॉलो करते हैं. इसका मतलब होता है ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना. वी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, वी चलो भूल जाओ अभी, पहले बोर्ड मास देख लेते हैं. बी ओ डी एम ए एस, बोर्ड मास, इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट. तो अगर आपकी कोई इक्वेशन में कहीं कोई ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट को आपको ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन. ठीक है, डी का मतलब होता है डिवाइड, उसके बाद आपको भाग करना है, डिवाइड करना है, इसके बाद आपको एम मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, फिर ए एडिशन करना है और इसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन करना है. सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है. ये रूल फॉलो करना है, अगर ये नहीं करोगे आपका आंसर गलत होगा. जैसे मैं आपको एक इक्वेशन दे देता हूं, मैंने लिखा 3+5 डिवाइडेड बाई, इसको 15 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3 × 4 -2, इसकी वैल्यू क्या होगी.
तो मैंने बोला सबसे पहले क्या करना है, अब इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट को तो छोड़ देंगे, तो यहां से करेंगे डिवाइड से। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड करना है, तो 3 प्लस इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 5 टाइम्स क्या इनटू 4 माइनस 2। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 5 का 4 में हो रहा है, तो 3 प्लस 20 माइनस सब्ट्रैक्शन 2, इसके बाद प्लस करना है, तो प्लस कितना हो गया, ऐड करना है, तो 23 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 21। समझ में आ गया किस तरीके से फॉलो करना है, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई हाउ डज यू विल बी अप्लाइंग द बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोलिए यहां तक ठीक है, हेलो। यस सर, चलिए अब हम चलते हैं एक्चुअल। अब ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाली, वो कितने टाइप की होती हैं, तो उसके टाइप्स देख लेते हैं। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे पास जनरली पूछी जाती हैं, ये 3 टाइप में होते हैं। पहला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपको अगर कोई सिंबल स्टार दिया है, स्टार का मतलब प्लस है और डॉलर का मतलब माइनस है, तो आपको ये सिंबल्स को सब्स्टिट्यूट करना है उनके एग्जैक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, तो पहला मेथड ये हो गया। दूसरा हो गया इंटरचेंज ऑफ साइंस एंड नंबर्स। इंटरचेंज ऑफ साइंस एंड नंबर का मतलब है, जैसे कहीं बोल दिया 3 + 4 डिवाइडेड बाय 5 - 6, तो बोल दिया जाएगा कि भाई इसमें अगर हम 3 को रिप्लेस कर दें 4 से, डिवाइड को रिप्लेस कर दें माइनस से, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये इंटरचेंज का हो गया। और लास्ट वाला है डिराइविंग द एप्रोप्रिएट कॉन्क्लूजन्स। तो एप्रोप्रिएट कॉन्क्लूजन्स में क्या होता है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, है ना, स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उन स्टेटमेंट्स को फॉलो करना है और उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन निकालना है, कॉन्क्लूजन निकालना है कि अगर ये स्टेटमेंट है तो हमारे कौन कौन से कॉन्क्लूजन्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं। हम देखेंगे वन बाय वन सारे टाइप की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन और पहले टाइप की प्रॉब्लम, तो पहले जब हम टाइप वन देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ जस्ट वेट। चलिए, तो आपकी क्लॉक है 30 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले कैसे क्या करना है, इफ प्लस मींस डिवाइड बाई, माइनस मींस मल्टीप्लाइड बाई, एंड क्रॉस एक्स मींस माइनस एंड डिवाइड मींस प्लस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो जल्दी से सॉल्व करके, ये बी 6 नहीं होगा, ये बी होगा। कितना है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ओके देख लेते हैं, नन ऑफ दीज। अगर हम प्लस को डिवाइड कर लें, डिवाइड बाई, तो यहाँ पे जल्दी से साइन कर लो, 16 डिवाइड बाई 8, माइनस को रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लाइड गुणा 4, एंड डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस और इनटू को माइनस 4, इसका मतलब क्या होगा। देखो जल्दी से इन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो इक्वेशन है तुरंत उनके साइन चेंज कर दो फटाफट से। यहां देखो प्लस का मतलब क्या होता है, ये मतलब जल्दी से पुट करेंगे, आपको आंसर करना है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 4, ये हो गया 8, 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 10 माइनस 4 कितना हो गया आपका, हो गया 10 माइनस 4 हो गया 6, तो आंसर आना चाहिए 6। क्या इसमें आंसर 6 दिया है, नहीं दिया, तो नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, यस, इज इट क्लियर, बोलो भाई, हेलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ हेलो, दिख रही है ना स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है, अच्छा करिए सॉल्व। ये भी टाइप वन की प्रॉब्लम है, इफ प्लस मींस डिवाइड, माइनस मींस मल्टीप्लाइड, डिवाइड मींस प्लस एंड मल्टीप्लाई मींस माइनस, देन इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलो टाइम हो गया, देखते हैं क्या आंसर आना है, 36
मल्टीप्लाइड मीन्स माइनस, माइनस 12, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड बाई 4, एंड डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस 6, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड बाई 2, माइनस मीन्स मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले डिवाइड करना है, तो 4 का 3 में डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 36 माइनस 3, 3 हो गया, प्लस इसका इसमें डिवाइड करो 3 इंटू 3। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 9 हो गया, इसके बाद प्लस करेंगे, ये हो गया 12, है ना, 9 और 3 12, 36 माइनस 12 कितना आ गया, 24। क्या है इसमें कोई आंसर? आंसर नहीं है ना, 24। एक बार और चेक करो जरा, 36 इंटू इंटू मीन्स माइनस 12, प्लस मीन्स डिवाइड बाई 4, डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस 6, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड इंटू 2, माइनस, माइनस मीन्स हो गया आपका मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, 4 किया 12, 36 माइनस 3 प्लस ये 3 इंटू 2, 3 9, ये हो गया प्लस का 9 माइनस का 3, प्लस का 6 प्लस 36, 42 आएगा, सॉरी है ना, 42 आएगा आंसर इसका। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 42, 42 इज द आंसर। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब ये देखो, ये अलग टाइप का है, टाइप 1 में ही अलग टाइप का है ये। अगर a मीन्स प्लस, b मीन्स माइनस, c मीन्स डिवाइड बाय एंड d मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, करो सॉल्व इसको, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलिए टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका सॉल्यूशन नहीं हो रही है, हैं? अभी दिख रही है ना? हाँ, चलिए इसको करो सॉल्व जल्दी से। यस सर, जल्दी से देखो क्या होगा। सो जल्दी से पुट करें वैल्यूज, तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें 18, ए का मतलब क्या है प्लस, 12, सी का मतलब है डिवाइड बाई, डिवाइड बाई 6, डी का मतलब हो गया मल्टीप्लाइड इंटू 2, बी, बी का मतलब क्या है माइनस, माइनस 5। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो ये 18 प्लस 6 दूनी 12 इंटू 2 माइनस 5, ये हो जाएगा 4, और 18 माइनस 4 माइनस 5, है ना, ये 18 माइनस, नहीं माइनस क्यों होगा, प्लस होगा, ये तो प्लस है, सॉरी 18, ये हो जाएगा 2, 2, 2, 2 इंटू 2, 4, 4 माइनस 5, ठीक है, 5 माइनस 5, ठीक है, ये तो अब प्लस करेंगे, 18, 4, 22 माइनस 5, कितने आ गया, 17, ऑप्शन, यस सर, 17 इसमें है ही नहीं, एक बार दोबारा से और ट्राई करो, जस्ट 18, नन ऑफ दीज हो जाएगा सर, हाँ, नन ऑफ दीज, एक बार और देख लेते हैं, शायद हो कहीं, ए प्लस बी मीन्स ए प्लस 12, सी सी मीन्स डिवाइड बाई 6, डी मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2, इंटू बी मीन्स माइनस 5। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, आ गया 2 गुणा 2, 2 दुनी 4, 18 और 4 22, में से 5 गया 17, 17 आंसर आएगा इसका। तो 17 इसमें है नहीं, 17 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से फटाफट, ये आपका टाइप 1 में ही है, इसमें कुछ और सिंबल्स यूज हो गए हैं, इट इज बीइंग, चलो इसको जल्दी से कर लेते हैं, टाइम वगैरह है नहीं अभी इतना हमारे पास। इट इज बीइंग गिवन दैट ग्रेटर देन डिनोट्स प्लस, ग्रेटर देन डिनोट्स प्लस, और लेस देन डिनोट्स माइनस, या इसको कहीं लिख लेते हैं, ग्रेटर देन का मतलब हो गया प्लस, एंड लेस देन का मतलब हो गया माइनस, प्लस का मतलब हो गया डिवाइड, एंड माइनस का मतलब हो गया इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब हो गया लेस देन, एंड एक्स डिनोट्स ग्रेटर देन, एक्स डिनोट्स
ग्रेटर देन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अब देखो इसमें आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, इसमें आपको सारे स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे तभी आपका आंसर आएगा. तो जल्दी से वैल्यू पुट करते चलो. तीन, इसीलिए सारे सिंबल्स मैंने बगल में लिखे हैं. प्लस का मतलब हो गया डिवाइडेड बाई टू, ग्रेटर देन का मतलब हो गया प्लस, एंड फोर और इक्वल टू का मतलब हो गया लेस देन. ठीक है, तो तीन में दो से डिवाइड किया, ये कितना हो गया 3/2, दैट इज 1.5, प्लस 4, ये कितना हो गया आपका 4 और 1 5, 5.5. 5.5 इज लेस देन 5.5, इधर वैल्यू आ गई 5.5 आ गई ना, यहां पे आ गया 5.5 आ गया, लेस देन 9, प्लस का मतलब हो गया डिवाइडेड बाई 3, लेस देन का मतलब हो गया माइनस 2. तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1. तो क्या आपका 5.5 1 से छोटा है, तो ये वाला गलत हो गया. क्यों गलत हो गया ना ये. अब इसको चेक करो जल्दी से, तो 3 ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब हो गया प्लस 2, प्लस 4, इक्वल टू का मतलब हो गया लेस देन 18, 18 का 18 प्लस का मतलब क्या है डिवाइडेड बाई 3, लेस देन 1, लेस देन का मतलब हो गया माइनस, माइनस 1. तो ये हो गया आपका 6, और 6 माइनस 1, 3 का 6 में 18 में डिवाइड करेंगे 6, 6 माइनस 1 यहाँ पे 5 आ गया, इसका मतलब 5 आ गया, और इसका हो गया कितना 3 और 2 5 और 4 9. तो क्या आपका 9 छोटा है 5 से, ये भी गलत, बड़ा है. इसको देख लेते हैं जल्दी. 3 ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब प्लस 2, लेस देन, लेस देन का मतलब माइनस 4, इंटू, इंटू का मतलब हो गया आपका ग्रेटर देन 8, और प्लस का मतलब हो गया डिवाइडेड बाई 4, लेस देन, लेस देन का मतलब हो गया माइनस 2. तो ये सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो गया 2 माइनस 2, ये 0 हो गया, और इधर का मतलब हो गया आपका 3 और 2 5 में से गया 1 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है, 1 जो 0 से बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ गया. देखो कोई दिक्कत यहां पे, ऐसी टाइप की प्रॉब्लम को भाई इसमें अगर ये जो प्रॉब्लम आएगी इसमें आपको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा. ठीक है, बोलिए इज इट क्लियर. चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से. अब ये टाइप वन खत्म हो चुका है जिसमें कि सारे आपके सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज हम लोग निकालते थे आंसर बाय सब्सटीट्यूशन. अगला टाइप चलते हैं टाइप टू, दैट इज इंटरचेंज ऑफ साइंस एंड नंबर. तो मतलब वही है, मैंने आपको बोला था कि साइन और नंबर को कुछ हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे. द क्वेश्चन इज गिवन, साइन प्लस एंड डिवाइड एंड नंबर्स 2 and 3 आर मेड इन साइंस एंड नंबर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 इक्वेशन बी करेक्ट. इंटरचेंज नेमली, तो ये इंटरचेंज है, मतलब प्लस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज कर देना है और नंबर 2 and 4 को आपस में इंटरचेंज कर देना है. तो आपको बताइए इसमें कौन सी इक्वेशन सही होगी. तो जल्दी से देख लेते हैं, 2 और 4 हो गया आपके साथ और प्लस और डिवाइड हो गया आपके साथ. ठीक है, बाकी और कोई सिंबल को नहीं छेड़ना है, याद रखना है जो इंटरचेंज में क्वेश्चन में दिया है वही चेंज करना है, बाकी एज इट इज रहने है. तो जल्दी से चेक कर लेते हैं, 2 को यहाँ पे 4 लिख देना है, प्लस का मतलब हो गया डिवाइड, है ना, यहाँ पे प्लस का मतलब हो गया डिवाइड, प्लस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करना है. तो ये डिवाइड 4 की जगह पे 2 हो जाएगा, डिवाइड का मतलब प्लस, 3 इज इक्वल्स टू 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 5 इज इक्वल्स टू 3, गलत, पहला गलत हो गया. बताओ जल्दी से, दूसरा करके देखते हैं. 4 की जगह पर 2 लिखना है, प्लस की जगह पर डिवाइड लिखना है, इसकी जगह पर 4 लिखना है, प्लस 6 लिखना है. तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 1/2 प्लस 6, 1/2 प्लस 6 कितना हो गया बेटा. इसमें पहले हमें याद रखना है, डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं बैठना है, पहले करेक्शंस करने हैं, इंटरचेंज करना है, तभी आपको आंसर करने हैं. तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1/2 0.5 प्लस 6 6.5 होगा, 1.5 तो आएगा नहीं, ये भी गलत हो गया. इसको देखेंगे 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 4 होगा क्या, देख लेते हैं. इसका इसमें डिवाइड किया 4/3, ये तो वैसे ही नहीं आ रहा है. इसका इसमें देखते हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6, इसका इसमें डिवाइड किया 2 आ गया प्लस 6 8, 8 इक्वल्स टू 8 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी. देखो जल्दी से ऑप्शन नंबर डी सही है कि नहीं. यस, इज इट क्लियर, मूव करें आगे. बोलो ये वाला समझ में आ गया नहीं आ गया, इंटरचेंज ऑफ साइंस एंड नंबर्स वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो. आ गया सर, आ गया. चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6. ये वाले भी क्वेश्चंस एसएससी में तो बहुत आते हैं भाई, जेई में भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं. विच वन ऑफ द फोर इंटरचेंजेस
इन साइंस एंड नंबर्स वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है, तो आपको इन ऑप्शंस के हिसाब से चेक करना है कि अगर हम प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दें, टू और थ्री को इंटरचेंज करके देखें, मतलब ये है कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है कि जिनको हम इंटरचेंज कर दें तो ये वाली इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। तो पहले वाले में रख के देख लेते हैं सर, प्लस और माइनस का साइन चेंज होगा सर, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। प्लस माइनस के साथ साथ ये नंबर भी चेंज करने हैं बेटा, ये भी नंबर चेंज करने हैं, दोनों इंटरचेंज करने हैं, साइन भी इंटरचेंज करना है और नंबर्स भी इंटरचेंज। तो प्लस टू हो जाएगा और माइनस फाइव हो जाएगा। हाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये दो तीन को दो से रिप्लेस करेगा, ये हो जाएगा माइनस फाइव, फाइव को रिप्लेस नहीं करके देखते हैं, फाइव की जगह पर फाइव ही रखो और माइनस की जगह पर प्लस करना है, टू की जगह पर थ्री करना है, तो ये कितना हो गया, थ्री और टू फाइव, फाइव टू फाइव हो गया तो जीरो हो गया ना, फोर के बराबर होना चाहिए, कौन सा वाला सही है आपको, कौन सा सही लग रहा है भाई? अरे बोलो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करके देखते हैं ना, चलो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करके देखते हैं, इसको जल्दी से पुट कर देते हैं। प्लस की जगह पर रखना है माइनस, तो ये तीन की जगह पर रखना है पांच, तो पांच हो गया, प्लस की जगह पर माइनस हो गया, पांच की जगह पर तीन रखना है, माइनस की जगह पर प्लस रखना है और टू का कुछ नहीं करना है, तो ये हो गया माइनस थ्री प्लस टू प्लस टू फोर, टू प्लस टू फोर, गुड, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइंस नीड्स टू बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, तो इसमें कौन कौन से इंटरचेंजेस दो करने हैं जिससे कि आपकी दी हुई इक्वेशन करेक्ट हो जाए, ये ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी है, सिक्स नहीं है ये। ठीक है, करो जल्दी से सॉल्व इसको, वी आर हैविंग 10 मिनट्स ओनली, तो जल्दी से करके देख लेते हैं। पहले इनको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ऑप्शंस को पकड़ो और ऑप्शंस के हिसाब से आंसर करना स्टार्ट करो। तो 10 प्लस की जगह पे माइनस करना है, 10 डिवाइड, डिवाइड को कुछ नहीं छेड़ना, अभी डिवाइडेड बाई 10, माइनस की जगह पे प्लस, 10 इनटू को नहीं छेड़ना, इनटू 10, ये 10 के बराबर है क्या, देख लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे माइनस वन, तो 10 माइनस वन, प्लस माइनस से चेंज होगा, प्लस ये करेंगे तो 100 हो गया, ये तो गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया भाई, पहला गलत हो गया। इसके बाद दूसरा करके देख लेते हैं, क्यों प्लस माइनस चेंज करने से कहां आ रहा है, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 इंटू 10, तो ये 10 के बराबर कहां आ रहा है भाई, डिवाइड किया माइनस वन हो गया, ये तो 100 हो गया, ये कहाँ आ रहा है, गलत है, पहला वाला नहीं होगा, गलत है ये। बी चेक करके देखते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 10 और ये डिवाइड को करना है प्लस से, प्लस 10 माइनस वैसे ही रहना है, 10 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, डिवाइड करेंगे ये आपका 1 हो गया, प्लस 10 हो गया, माइनस 100, ये भी नहीं है, गलत हो गया, ये भी करेक्ट नहीं है, इट इज रॉन्ग। सी वाला रख के देखते हैं, तो सी वाला रख के देखो जल्दी से, तो ये कितना हो गया, 10 प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10, डिवाइड को चेंज नहीं करना है, इंटू 100 माइनस 10 और इंटू को प्लस से चेंज करेंगे 10, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 हो गया, 10 माइनस 10 जीरो और केवल 10 बच गया, तो ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, जी सर। पहले भाई इतना जल्दी नहीं करना है, थोड़ा सोच के काम करा करो। अगला देखते हैं, अब ये जो है थर्ड टाइप की इक्वेशन है और ये जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टफ है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। ठीक है, ड्राइविंग द एप्रोप्रिएट कॉन्क्लूजन्स, पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। इट इज बीइंग गिवन दैट एक्स डिनोट्स ग्रेटर देन, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, उनकी वैल्यू जल्दी पुट कर दी है। एक्स का मतलब हो गया ग्रेटर देन, डॉलर का मतलब हो गया डिनोट्स इक्वल टू, डॉलर का मतलब हो गया इक्वल टू, लेस देन का मतलब हो गया लेस देन, नॉट लेस देन, लेस देन का मतलब हो गया नॉट लेस देन, ए डिनोट्स लेस देन, ए का मतलब हो गया लेस देन, एंड प्लस का मतलब हो गया नॉट ग्रेटर देन, प्लस का मतलब हो गया नॉट ग्रेटर देन। ये सारे सिंबल तो पता है ना, ये किसका सिंबल है, ये ग्रेटर देन का है, ये लेस देन, नॉट नॉट लेस देन, ये लेस देन, ये नॉट ग्रेटर देन, ये सिंबल्स तो पता है ना। चलिए, अब इसमें पूछा गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इफ, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसका मतलब क्या हो गया। ए, पहले इसको देख लेते हैं, इससे ही आंसर आएंगे आपके। ए क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या, ग्रेटर देन बी, और ए, ए का मतलब क्या है, लेस देन,
सी, मतलब अगर आपका ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब जल्दी से पुट करके देख लेते हैं वन बाय वन, इसमें टाइम लगेगा बेटा। तो ये हो जाएगा ए डॉलर का मतलब क्या है, इक्वल टू सी, और ए का मतलब क्या है, लेस देन बी। तो इसमें पहले ही बताया कि भाई सी की वैल्यू जो है वो बी से कैसी है, छोटी है। इसमें क्या दिया है, बी इज ग्रेटर देन सी, जबकि यहां पे क्या दिख रहा है, सी इज ग्रेटर देन बी। तो पहला तो गलत हो गया जी सर, है ना। अब दूसरा चेक करते हैं जल्दी से, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका बी लेस देन का मतलब हो गया लेस देन, जल्दी से देख लो यहां पे नॉट लेस देन, बी इज नॉट लेस देन ए, क्रॉस का मतलब हो गया ग्रेटर देन सी। तो ये देखते हैं क्या फुलफिल हो रहा है, ए की वैल्यू बी इज नॉट लेस देन ए, बी जो है वो ए से नहीं, बी ए से छोटा नहीं है, तो बी ए से छोटा नहीं, गलत। ये भी गलत हो गया क्योंकि यहां पर क्लियरली पता चल रहा है कि बी जो है ए से छोटा है, तो ये भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। सी चेक करते हैं, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है चेक करने का, याद रखना है। इसको देखेंगे, ए लेस देन का मतलब हो गया नॉट लेस देन बी, प्लस प्लस का मतलब हो गया नॉट ग्रेटर देन सी। तो चेक करो जल्दी से, ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, सही है, ये वाला तो सही हो गया, और बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है, बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है, गुड, ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए बी से बड़ा है, यहां तक तो ठीक है, और बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है, तो देखो बी सी से बड़ा नहीं है तो कैसा है, छोटा है, तो बी जो है वो सी से छोटा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, सी आंसर हो जाएगा राइट। एक और क्वेश्चन, आई थिंक इट इज द लास्ट वन। अरे यार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको कर देते हैं बंद। देखो ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, इसमें और टाइम लगता है, इसमें भी अप्रोप्रिएट कंक्लूजन हमें ड्राइव करने होते हैं। ए स्टार बी का मतलब है, ए स्टार का मतलब, ए स्टार बी का मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी। अब सुनो क्या करना है, इसमें सबसे पहले सुन लो कंसेप्ट क्या करना है आपको, इसमें फॉलो ये करना है कि स्टार का मतलब क्या हो गया, यहां से ग्रेटर देन, स्टार का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया ना, और हैज का मतलब क्या हो गया, हैज का मतलब हो गया ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए या तो बड़ा है या इक्वल है, यही तो हो गया ना, इक्वल का मतलब है इक्वल टू, इक्वल का मतलब है इक्वल टू है, इसका मतलब सेम है, एट द रेट का मतलब है स्मॉलर देन बी, एट द रेट का मतलब हो गया, एट द रेट का मतलब हो गया स्मॉलर देन, ठीक है, और डॉलर का मतलब हो गया ईदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, या तो स्मॉलर देन और इक्वल टू, ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहां से ये चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं, ये वाली चीजें फॉलो करनी होती हैं। अब अगर क्वेश्चन में दिया गया है, अब देखो इसमें ये, अगर कॉन्क्लूजन वन ट्रू है, वन इन ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अगर कॉन्क्लूजन, अब देखो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, अब आपको आंसर में क्या करना है, आप ये सारी वैल्यूज पुट करके देखोगे, इफ ओनली कॉन्क्लूजन वन इज ट्रू, अगर कॉन्क्लूजन वन इज ट्रू है तो आपका आंसर ए होगा, अगर कॉन्क्लूजन टू ट्रू है तो आपका आंसर बी होगा, अगर या तो ए या बी सही है, मतलब कॉन्क्लूजन वन सही है या दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, ना तो वन सही है ना दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, और दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। इसमें दिया गया है एम इक्वल्स टू टी, तो एम इक्वल्स टू टी का मतलब क्या हो गया, एम इक्वल टू को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल टू से, ठीक है, एम इक्वल टू टी, टी इज टी डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन, टी इज लेस देन और इक्वल टू जेड, और एस स्टार एम, स्टार का मतलब है एस इज ग्रेटर देन एम, अगर ऐसा है तो उसमें कौन सा कॉन्क्लूजन फॉलो हो रहा है, जेड इज, अभी देखो जेड स्टार एम का मतलब क्या हो गया, यहां पे जेड स्टार एम का मतलब हो गया, जेड स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर देन एम, और एक दूसरा कॉन्क्लूजन है जेड इक्वल टू एम, जेड इक्वल टू एम। अब देखो सबसे बड़ी बात तो यह है, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब इसमें दोनों में से कोई ना कोई एक ही सही हो सकता है, अब देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, m इज इक्वल टू टी, तो देखो t नहीं है, इसको छोड़ दो, खत्म, ये तो खत्म हो गया, t इज लेस देन z, t इज लेस देन और इक्वल टू z, तो t जो है लेस देन और इक्वल टू z है, ओके, s इज ग्रेटर देन, अब देखो हाँ बिल्कुल इसको छोड़ नहीं सकते, ये वाला पैरामीटर यहां से हमें पुट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, देखो कैसे करेंगे, m इज इक्वल टू टी, तो z और m में रिलेशन हमें सबसे पहले देखना है, z और m में रिलेशन, तो वो यहां से पता चलेगा, तो m अगर इक्वल टू टी है और t लेस देन और इक्वल टू z है, t की वैल्यू या तो z के बराबर है या z से t छोटा है, तो ऑब्वियसली
हम बोल सकते हैं जेड इज ग्रेटर देन एम, जेड इज ग्रेटर देन एम होगा कि नहीं होगा बताओ, इज इट क्लियर? सर हो सकता है, अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है कि नहीं, चलिए अभी इसको देख लेते हो हैं। सकता है और z इक्वल टू m ये भी हो सकता है, तो या तो ये होगा या ये होगा, क्यों भाई? भाई अगर यहां पे अगर इसकी बात करेंगे, t की वैल्यू छोटी है और इक्वल है z के, तो t की वैल्यू जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू z, यही रखो, इसको सब पुट कर लो, ठीक है, इसको पुट कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको, m इक्वल टू t, इसको सॉल्व करने का था m इक्वल टू टी, और t का z के साथ क्या रिलेशन है, लेस देन और इक्वल टू z, ठीक है, लेस देन इक्वल टू z, तो क्या z की वैल्यू m से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी हो सकती है, और दूसरा z इक्वल टू m है ये भी हो सकता है, तो दोनों कॉन्क्लूजन फॉलो हो सकते हैं। अगर अब देखो या तो वन फॉलो होगा या दूसरा फॉलो होगा, दोनों एक साथ फॉलो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, अगर z बराबर है t के, सुन लो मेरी बात, अगर z बराबर है t के, मान लिया कि ये 5 है, m की वैल्यू 5, t की वैल्यू 5, z की वैल्यू 5, तो अगर z बराबर है t के ये वाला फॉलो हो गया, लेकिन ये वाला फॉलो नहीं होगा, क्या हो सकता है, z इक्वल z इज ग्रेटर देन m 5 5 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं होगा, हमने मान लिया कि आपका कॉन्क्लूजन दूसरा सही है, समझ में आया, अगर दूसरा कॉन्क्लूजन सही है तो क्या होगा बोलो, पहला वाला ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, और अगर दूसरा वाला गलत है तो, अब मैंने मान लिया कि m की वैल्यू 6 है, 5 है, t की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू 6 है, तो ऑब्वियसली फॉलो हो रहा है क्योंकि z की वैल्यू t और m, t से भी बड़ी है और m से भी बड़ी है। अब देखो अगर z इज ग्रेटर देन m, मतलब 6 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या 6 5 के बराबर होगा, नहीं होगा, मतलब कोई भी एक कॉन्क्लूजन फॉलो होगा, या तो वन ट्रू होगा या सेकेंड ट्रू होगा, समझ में आ गया, बोलो, नहीं आया तो इसको हम अगली क्लास में दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके, चलिए तो ये वाली क्लास हम लोग ये भी यहीं फिनिश कर देते हैं, थैंक यू, समझ में आ गया ना।